दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह आप स्क्रॉल बार को यूज करते हुए मुख्तलिफ डेटा को और लार्ज डेटा को, टू वे डेटा को एक सिंपल इजी टाइम फ्रेम के अंदर आप लेके और स्क्रॉल बार की मदद से किस तरह एक्सीलेंटली प्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह अपनी स्किल्स को आप फर्दर इन्हांस कर सकते हैं। छोटी छोटी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए स्क्रॉल बार की मदद से आप एक लार्ज डेटा को एक छोटी सी स्क्रीन पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली समेट लेंगे। तो सीखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में से आज जो आप सीखेंगे ये आपकी जिंदगी को बदल देगा, आपके डेटा को प्रोसेस करने की ताकत को बदल देगा। तो देखते हैं इस वीडियो को एंड तक और सीखते हैं डिफरेंट टेक्निक्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें ताकि इस तरह की जो मजीद अपडेट्स हैं वो आपको वक्तन फक्तन मिलती रहा करें। तो शुरू करते हैं। तो आए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक डेटा मौजूद है, ये डेटा टू वे है, ठीक है। जो इनिशियल रो है, जो फर्स्ट रो है, वहां पे हॉरिजॉन्टली कॉलम वाइज, कॉलम ए बी सी कॉलम वाइज मेरे पास डेट्स मौजूद हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली जो हमारी वर्टिकल साइड है, जिसको हम रो फॉर्म भी कहते हैं, रो 2 एंड 3 एंड 4, यहाँ पे हमारे यूजर आईडीज मौजूद है और इन यूजर आईडीज की इन पर्टिकुलर डेट्स पे ये परफॉर्मेंस मौजूद है, ठीक है। अब हम इसको टू वे फ्रेम में किस तरीके से लेके जाएंगे और किस तरह हमारे स्क्रॉल बार को इंटीग्रेट करेंगे, आए देखते हैं। तो ये मैंने खोला एक न्यू शीट, इस शीट का मैं नाम रख लेता हूँ, लेट्स से डैशबोर्ड, राइट। जो मेरा इनिशियल पॉइंट होगा, जो सबसे पहले जो मेरा पॉइंट होगा, मैं अपने सबसे पहले यूजर को लिंक करूंगा, ठीक है। मैंने एक सेल पे अपने यूजर को लिंक कर लिया, ठीक है। यहां मैं एक चीज लिख रहा हूँ 0, और यहां पे मैं एक सीक्वेंस दे रहा हूँ। ये क्यों दे रहा हूँ इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको आगे चल के जरूर दूंगा, वीडियो को इसी तरह देखते रहे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फ्रेम में लेट से 20 यूजर दिखाना चाहता हूँ, तो ये मेरे 20 यूजर की एक फ्रेम बन गई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 0 लिखा हुआ है, ये 0 क्यों लिखा है ये अभी आप देखेंगे, ठीक है। अपने इस लिंक को मैं ऑफसेट करूंगा, राइट, ऑफसेट करूंगा, बल्कि एक और चीज की मैं चेंजेस पहले यहां करूं, इसको मैं 1 से नहीं, इसको भी मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, राइट। सो हमारा इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से लेके 19 मीन्स 20 एंट्रीज है हमारी टोटल 0 को मिला के। तो अब मैं अपने इस डेटा को ऑफसेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा डेटा ये रॉ वाइज है, तो मेरी ऑफसेटिंग सारी रॉ फॉर्म रॉ पे होगी, कॉलम पे नहीं होगी। तो मैंने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया। ऑफसेट बेसिकली एक पर्टिकुलर पोजीशन से आपको पर्टिकुलर पोजीशन तक ले जाता है, एक पर्टिकुलर साइज को ऑफसेट करते हुए, ठीक है। ऑफसेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जरूर दूंगा। तो है, तो ऑफसेट हमने करना है इस पर्टिकुलर रेंज को, ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग यूजर है, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ऑफसेट करना है सिर्फ और सिर्फ 0 रोज को। 0 रोज को मीन्स कि मैं रो पे कोई ऑफसेट नहीं कर रहा, और कॉलम तो मैंने छेड़ना ही नहीं है, तो कॉलम को भी 0 ही करके ब्रैकेट क्लोज। तो मेरा डेटा क्या आया, 70915, 70915 मेरा पहला यूजर ही आया। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो क्या होगा, 33088, मीन्स इसने इस पोजिशन से एक रो को ऑफसेट कर दिया और सेकेंड रो पे चला गया, और मेरा आंसर आ गया 33088। तो यानी कि जिस तरह ये नंबर चेंज होता जाएगा, मेरा डाटा ऑफसेट होता जाएगा, राइट। तो मैंने कहा जिस पोजीशन पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहां से फर्दर आप इसको प्लस कर दें, ठीक है। तो मैंने मेरा पहला यूजर दिखाया, और एक काम मैं और करूंगा, क्योंकि मेरा ये जो इनिशियल 0 है इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, राइट। और ये जो मेरा सी कॉलम है इसमें मैं सी को फ्रीज कर दूंगा, ताकि अगर मैं कॉपी पेस्ट हेयर एंड देयर करूं तो मेरी चीजें ना हिले, ठीक है। तो मैंने जब इसको कॉपी करके अब जब डाउन किया, तो आप देखें मेरे पास डाटा आ गया, ये मेरा पहला यूजर, ये दूसरा यूजर, राइट। 0 प्लस 1, तो उसने एक कॉलम को ऑफसेट किया। अच्छा, एक चीज और भी है कि मैं ये A2 को भी फ्रीज करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अपनी इनिशियल पोजिशन को बिल्कुल नहीं चेंज करूंगा, ठीक है। अब डाटा बिल्कुल सही है, मीन्स A2 पे रहते हुए शुरू में मैंने कुछ ऑफसेट नहीं करना, मतलब पहला यूजर, राइट, यहाँ दूसरा यूजर, यहाँ तीसरा यूजर, यहाँ चौथा यूजर, राइट। अगर मैं इसको 1 कर दूं तो आप देखेंगे मेरा 3308 ये पहले आ गया, और इसके बाद से इसने 20 ले लिया, राइट। तो
तो अगर मैं यहाँ पे 20 डाल दूं तो ये 65617 से इसने स्टार्टिंग ली, 65617, ठीक है, और यहां से इसने 20 पकड़ ली, राइट। तो इस तरीके से मेरा डाटा सारा प्रोसेस हो रहा है। इसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है, ये अभी मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा जब हम हमारा स्क्रोल बार को इंटीग्रेट करेंगे, राइट। इसको अभी इसी तरीके से रहने देते हैं, चलते हैं हमारे वर्टिकल साइड पे। इसको मैं नाम देता हूं, ये मेरे यूजर आईडीज हैं, ठीक है, यूजर आईडीज। अब मैं अपनी डेट्स को इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, जिस तरह मैंने वर्टिकली ये काम किया, मैं हॉरिजॉन्टली करूंगा। यहां पे जाते हुए मैंने अपनी पहली डेट को यहां पे लिंक करा लिया, राइट, और यहां पे मैं एक जीरो लिख देता हूं। अगेन इस जीरो का क्या रीजन है मैं आपको दिखाऊंगा, ये जीरो और 20 दोनों का रीजन आपको समझ आएगा आगे जाकर। और यहां पे मैं लिखता हूं ऑफसेट, ठीक है, इस बी वन को मैं फ्रीज करूंगा क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट इनिशियल पोजिशन को नहीं छेड़ना। इस पोजिशन से मैंने, क्योंकि मेरी रो तो वन ही रहेगी हमेशा, तो इस वजह से क्योंकि मैं रो को ऑफसेट नहीं करूंगा क्योंकि बी वन में वन ऑलरेडी मेंशन है, तो मेरी जो रोज होंगी वो जीरो जीरो नंबर पे ऑफसेट होंगी। मींस वहां पे कॉलम जीरो था, यहाँ पे रो जो है वो जीरो रहेंगी क्योंकि अब मैं हॉरिजॉन्टली काम कर रहा हूँ, कॉलम वाइज काम कर रहा हूँ। और जो मेरे कॉलम्स होंगे वो ऑफसेट होगा इस नंबर पे, राइट। तो ये आप देखें, मेरी फर्स्ट जनवरी आ गई। अगर मैं इसको वन कर दूं तो दो जनवरी, थ्री कर दूं तो फोर जनवरी, जीरो कर दूं तो फर्स्ट जनवरी। तो देख रहे हैं फर्स्ट जनवरी से कितना ऑफसेट करना है, तो ये वन टू थ्री हमें बताता है। फर्स्ट जनवरी से हमें जीरो ऑफसेट करना है, मीन्स फर्स्ट जनवरी पे ही रहना है। फर्स्ट जनवरी से हमें तीन ऑफसेट करना है, मीन्स चार जनवरी पे चले जाना है, लाइक दैट। और मैं कितनी डेट्स अपनी इस पे दिखाना चाह रहा हूँ, मैं टोटल फॉर एग्जाम्पल 12 डेज अपने दिखाना चाह रहा हूँ। तो जीरो से लेके इस पे मैं प्लस वन कर रहा हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ 12 तक, ये 12 तक मेरे पास आ गया, राइट। और अपने डेटा में मैं फर्दर इसमें इसको प्लस करता हूँ, तो जीरो प्लस जीरो वो जीरो पे ही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे अब मैं थ्री को फ्रीज करूंगा ताकि मैं हेयर एंड देयर पेस्ट करूँ तो मेरी चीजें ना आ जाए। तो अब मैं यहाँ जाके जब मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं, अच्छा क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे 11 पे ही आके ना 12 काउंट्स पूरे हो जाएंगे, तो इसको आप इग्नोर कर दें। तो फर्स्ट जनवरी से 12 जनवरी तक डेटा आ गया। तो अगर मैं इसको वन कर दूं तो 2 से 13 जनवरी हो जाएगा, 5 कर दूं तो 6 से 17 जनवरी हो जाएगा, राइट। तो एक ये पॉइंट है हमारा और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अब आप देखें होता क्या है, यानी कि अगर मैं इसको इसको अगर मैं हिलाना शुरू कर दूं तो मेरा पूरा डेटा स्क्रोल बार होना शुरू हो जाएगा। और स्क्रोल बार की तरफ चलने से पहले पहले ये जो सेंटर का डाटा है ये भी मैं आपको फिल करके बता दूं कि आप किस तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। अब हमें डालना है सेंटर का डाटा, राइट। अब सेंटर का डाटा डालने के लिए जो मेरी लॉजिक होगी, मैं अपना जो पहला डाटा है, क्योंकि मैंने अपनी जो इनिशियल पोजिशन रखी थी वो रॉ 2 रखी थी और यहाँ कॉलम बी रखा था, तो एग्जैक्टली बी 2 जो मेरी जो है ना, वो जो मेरा पहला डाटा जहां से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसको लिंक कर लिया, राइट। थोड़ी देर के लिए मैं इसको भी जीरो कर देता हूँ, इसको भी जीरो कर देता हूँ, ठीक है। 29 में लिंक कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ जब मैं इनको हिलाऊं तो ये डाटा भी हिलना स्टार्ट हो जाए। तो अब मैं इस डाटा को ऑफसेट करूंगा। अब हमारे यहाँ पे रोल रोज और कॉलम्स दोनों में बराबर होगा। किस तरीके से होगा तो मैं आपको बताता हूँ। बी टू को आपने फ्रीज करना है, राइट। अगर रोज जीरो है, This, अगर रॉस जीरो है, इसको आप फ्रीज कर लें, राइट। और उसमें आप प्लस कर दें दिस, राइट। और इसमें आप कॉलम सी को फ्रीज करेंगे और आपके जो कॉलम्स हैं उसमें आप फ्रीज करेंगे इसको और प्लस करेंगे हमारे जो कंटिन्यूस जो चल रहा है इसको। इसमें जो है हमारी जो फ्रीज होगी रो 3 होगी, राइट। तो रो 3 की मूवमेंट नहीं हिलनी चाहिए और यहाँ पे कॉलम सी की मूवमेंट नहीं हिलनी चाहिए। 5, 6, 7 तो होता रहेगा। तो अगर मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करूँ, मेरे पास आंसर 29 ही आया। अब मैंने इसको 1 कर दिया तो 2 जनवरी पे मेरे पास क्या था, 27। 2 जनवरी पे मेरे पास 27 था। 27 के नीचे क्या है, 30 है इस पर्टिकुलर यूजर पे। अगर मैं इसको 1 करूंगा तो ये 30 आ गया, मीन्स मेरा जो फॉर्मूला है वो परफेक्टली अलाइन हो चुका है। तो अगर मैं अब इसको जो है वो इस तरीके से फैला दूं डेटा को, लाइक दैट,
तो मैंने अपने डाटा को परफेक्टली इंटीग्रेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जीरो करूंगा, यहाँ भी जीरो करूंगा, आप देख सकते हैं मेरा डाटा परफेक्टली इसके हिसाब से अपेयर होना स्टार्ट हो गया। मजीद आगे चलने से पहले हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमारी जो विजुलाइज जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाए, ठीक है, लाइक दैट। और इसको मैं एक ग्रिड भी दे देता हूँ, ठीक है, और इसको एक बॉर्डर फॉर्म में भी ले लेता हूँ, सॉरी, ठीक है, ये एक बॉर्डर फॉर्म में मेरे पास डेटा आ गया। अब अगर मैं चाहूँ तो इसको जो है वो कोई अगर कलर देना चाहूँ तो दे दिया, टॉप पे जो है वो ये कलर दे दिया, राइट। और मैं अपनी हाइट जो है रोज की इसको लेट से कर देता हूँ 20, राइट, 20 कर दिया। और जो मेरे कॉलम्स हैं इनकी हाइट मैं कर देता हूँ 20, थोड़ी ज़्यादा हो गई, आई थिंक 12 इज मोर बेटर, 12 से भी थोड़ी कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। और इसकी अलाइनमेंट भी सेंट्रलाइज, सब चीज़ें सेंट्रल फॉर्म में आ गई। तो हमने, और अब मैं अपने व्यू में जाके ग्रिड लाइन को रिमूव कर देता हूँ ताकि डेटा और मजीद विजिबल रहे, राइट, ठीक है जी। अब मैं इस रो वन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मजीद थोड़ा बेहतर करने के लिए मैं इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए जो हम करेंगे डेटा को, हम क्योंकि कलर वाइज करना चाह रहे हैं, तो मैं कह देता हूँ हाईलाइट कर दें हर वो डेटा, ठीक है, जो ग्रेटर देन हो, लेट्स से हम उसको ग्रीन में हाईलाइट करेंगे। अगर आपका डेटा है 50 अबव, लेट्स से 50 से अबव हमारा कोई डेटा नहीं है क्योंकि हमने 50 पर रेंज रखी, तो लेट्स से हम इसको रखते हैं 40 अबव अगर डेटा है, तो ये 40 अबव की कंडीशन लग गई। दूसरी कंडीशन लगाते हैं लेस देन की, कि अगर डेटा आपका 20 से बिलो है, 20 से बिलो भी कोई डेटा नहीं है, बस 30 से बिलो है, तो हमारे पास ये कंडीशन लग गई। और आपका डेटा मैं कहता हूँ बिटवीन है 30 एंड 40, तो आप उसको येलो कर लें, राइट। तो ठीक है, ये एक हमारे पास विजुअलाइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। ये डेटा मेरा हाइपोथेटिकली है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ भी नहीं है, जो आपका एक्चुअल डाटा होगा जब उस पर आप अप्लाई करेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन आप मजीद बेहतर तरीके से कर सकेंगे। और ये अब हम स्क्रोल बार को इंटीग्रेट करेंगे, तो स्क्रोल बार को इंटीग्रेट करने के लिए आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन पर डेवलपर टैब नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कहाँ से आएगा। आप सबसे पहले फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद आप ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाने के बाद आप कस्टमाइज रिबन में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चेक आपके पास नहीं लगा हुआ, आप इस पर चेक लगाएंगे और ओके कर देंगे। जब आप ओके कर देंगे तो आपके पास डेवलपर का एक ये टैब खुल जाएगा। इसमें आप इंसर्ट में जाएंगे, हमारे पास जो पहला जो टैब्स है फॉर्म कंट्रोल्स, इसको आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो पहला वाला होगा फॉर्म कंट्रोल, इसमें ये स्क्रोल बार फॉर्म कंट्रोल होगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है, राइट, और इसको पहले तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है, राइट, ये आपने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर दिया, राइट। और दूसरी तरफ आपके पास वर्टिकली डेटा होना चाहिए, तो आप दोबारा स्क्रोल बार को सिलेक्ट करेंगे और इस बार आप इसको वर्टिकली ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन वर्टिकली आ गई, हॉरिजॉन्टली आ गई। अब करना है कि क्योंकि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सॉरी, तो मेरा डाटा चेंज हो रहा है, राइट, तो इस पर्पस के लिए मैं ये करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और फॉर्मेट कंट्रोल पे जाऊँगा, राइट। मेरा इंक्रीमेंटल चेंज यानी कि जो मैं चेंज कर रहा हूँ उस पर मेरा चेंज 1 पॉइंट पर होना चाहिए, और मैं लिंक करूँगा इस सेल को कि इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर जाए, मिनिमम 0, मैक्सिमम 100, इंक्रीमेंटल 1 वगैरह तमाम चीज़ें सी, करंट वैल्यू 0, प्रेस ओके, राइट। अब आप देखिए जिस तरीके से मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन चेंज होती जा रही है, राइट, मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देखें इन्फॉर्मेशन किस तरीके से चेंज हो रही है। अब वर्टिकली इसको अप्लाई करने के लिए
आप वापसी फॉर्मेट कंट्रोल पे जाएंगे इस पर्टिकुलर स्क्रोल बार पे, अदर थिंग द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, आप सिंपली इसको लिंक कर देंगे इस पर्टिकुलर सेल पे, इसके ऊपर मास आपने क्लिक करना है और फिर इसके ऊपर क्लिक करना है, दैट्स इट, और प्रेस ओके कर देना है। होगा ये कि ये भी लिंक हो चुका अब इसके साथ। ये इंफॉर्मेशन जो है ये सिर्फ हमारे प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए, तो हम इसको कर देंगे हाइड। सिमिलरली ये इंफॉर्मेशन भी हमारे प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए, तो हम इसको कर देंगे हाइड। अब मैं अपने राइट क्लिक करूंगा इस स्क्रोल बार के ऊपर और इस स्क्रोल बार को मैं अलाइन कर दूंगा अपने इस डैशबोर्ड के साथ, राइट। सिमिलरली इसको भी मैं अलाइन कर दूंगा अपने इस डैशबोर्ड के साथ। आगे का जितना डाटा है मेरे किसी काम का नहीं है, मैं राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर है जिसकी वजह से ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो खराब, इसको थोड़ा सा मैं अंदर कर देता हूँ, राइट। और अब मैंने क्या करा, राइट क्लिक करके इसको पूरा हाइड कर दिया, इंफॉर्मेशन सारी हाइड हो गई। एक कॉलम अगर मैं चाहूँ कंट्रोल जी करके इसको ओपन रहने देते हैं, एक कॉलम से ज़्यादा को मैं कर देता हूँ हाइड, राइट। और इसको जो है मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, राइट। और इसी तरीके से इसको भी जो है मैं बिल्कुल हाइड कर देता हूँ, ठीक है। एक कॉलम अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ ऊपर, ठीक है, इसको मैं राइट सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस के साइन से आप एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसको मर्ज करके यूज़र यूज़र परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, और इसकी हेडिंग को मैं इंक्रीज करके स्क्रॉल कर देता हूँ, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहें, जिस तरीके से आप इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये, और ये जो हमारा ब्लैंक एरिया है, अगर आप चाहें तो इसको भी आप फर्दर कोई कलर दे के, आप जो भी आपकी सूटेबिलिटी होती है लाइक दैट, ठीक है, आप इसको फर्दर इस तरीके से प्ले कर सकते हैं, राइट राइट। ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ब्लैक हटा देते हैं, ठीक है, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, इसको फर्दर आप वो कर लें, ठीक है। अब आपने एक ऐसा डैशबोर्ड बना लिया, अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, ठीक है, जिसमें एक सिंगल फ्रेम पे रहते हुए आप मल्टीपल टाइम पे इसको जो है ना प्रोसेस कर सकते हैं बड़ी इजीली, इसको पकड़ के आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा ही है, मींस 49 रोज हैं, मैं इसका जो टोटल मैक्सिमम वैल्यू है इसको 50 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा स्क्रॉल बार थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो अब आप देखें, ठीक है, हाउ इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग वेरी ऑसम, can you see that, it's an awesome, isn't it? And similarly if you move like that, see, OMG what a beautiful view it's an awesome, see how you can do that perfectly, means ye aisi cheez hai jisko aap agar jab management ke samne present karenge wo aapke haath choom lenge, aap yakeen jane, ठीक है। मतलब आप इस तरह की क्रिएटिविटी करके प्रमोशंस वगैरह अपने नाम पे करवा सकते हैं, मींस इट विल डेफिनेटली समथिंग विच विल स्टैंड यू आउट फ्रॉम द क्राउड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ बड़ी पसंद आई होगी, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को भी ये चीज़ बताएं, ठीक है। इंशाल्लाह मैं और भी मज़ीद वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूँगा इसी तरह की क्रिएटिव, जिसको देख के जो है आप अपनी एक्सेल में कमांड्स और ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस।